जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्र ध्येयं सदा परिभवग्नं दीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भ्रत्यार्तिहं प्रणतपा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादरुड़बिंब फलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णा किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय 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 श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सदगुरु सुखदेव भगवान की जय वेदव्यास महाप्रभु की जय गंगा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान परम आदरणीय वंदनीय गुरुदेव भगवान अयोध्या से पधारे संत जी महाराज मूल पारायण का पाठ करते हमारे विप्रवृंद भक्तजन और आपके हृदय में विराजे मेरे ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि नमन। राधे 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 आइए मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए हम लोग कीर्तन करेंगे दो मिनट उसके पहले चौराष्टकम करेंगे। हमारे ठाकुर जी के ऊपर कैसे वो माखन चोरी लीला करते थे बिल्व मंगल जी इसके रचयिता हैं। संस्कृत में है समझने का प्रयास करिएगा कभी समय लगा तो अर्थ सहित व्याख्या होगी। बहुत सुंदर है ये चौराष्टक। आइए ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम जे प्रसिद्धम पांगना नाम च दुकुल चौरम
आइए 2 मिनट संकीर्तन, मनवाड़ी को पवित्र करते हैं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम। जय सिया राम। कल के सत्र में हम लोगों ने प्राचीन बरही का प्रसंग सुना और आज पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत जो उत्तानपाद के दूसरे जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र
और राजा उत्तानपाद के भाई हैं। आज हम लोग उनका चरित्र श्रवण करेंगे। इन्होंने सोचा, राजा प्रियव्रत ने सोचा कि हम लोग जो रात बनाई है ब्रह्मा जी ने, ये रात सोने में बहुत समय गंवा देते हैं, इसलिए रात होनी ही नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और उस रथ पर बैठकर पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई, जिसके कारण 7 दिन तक दिन ही बना रहा। अब तो पूरी सृष्टि का क्रम बिगड़ने लगा, व्यवस्था बिगड़ने लगी। तो ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा हर चीज का सदुपयोग करना सीखो, जो भी चीज बनी है सृष्टि में उसका कुछ ना कुछ उपयोग है। रात्रि दी है आराम करने के लिए तो उसको वैसे ही रहने दो। राजा प्रियव्रत मान गए, लेकिन इनके ऐसा करने से 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हुई। श्रीमद् भागवत में ही पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ मिलेगी आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का भी वर्णन है, वो कहां से आए। भूगोल खगोल का भी वर्णन है। इसीलिए तो समस्त वेद वेदांतों का सार है ये। कपिल मुनि जी ने जो सांख्य शास्त्र की रचना करी थी, वो हमारे कपिल मुनि जी ने ही की थी। आगे आप देखेंगे जो जैन गुरु तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जी ही हैं, वो भी श्रीमद् भागवत में ही वर्णन आता है। तो राजा प्रियव्रत, इन्होंने सात द्वीप 7 समुद्र की रचना करी और इन्हीं 7 द्वीपों में प्रथम द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके आप और हम वासी हैं। जम्बू द्वीप के वासी हैं हम लोग। इनके बड़े बेटे आग्नेन्द्र को इन्होंने इस पर राज करने के लिए दिया। आग्नेन्द्र ने पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ विवाह करके 9 पुत्रों को जन्म दिया और उन्होंने इस जम्बू द्वीप के 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बांट दिए। तो जम्बू द्वीप का जो प्रथम खंड है उसका नाम है अजनाब खंड। इसके राजा हुए नाभी, राजा नाभी, और इन्होंने मेरु देवी के साथ विवाह करके और इनके घर में ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। ये ऋषभ अवतार है, भगवान का अवतार है। ऋषभ देव जी यद्यपि राजपाट राजा के बेटे हैं, फिर भी बड़े योगी। इनके योग का इतना प्रभाव सुना इंद्र ने तो उसने सोचा इनके राज्य में मैं वर्षा ही नहीं करूंगा, देखता हूं कैसे इनका राज्य फलता फूलता है। इन्होंने जब ये जाना तो अपने योग के बल से, तपस्या के बल से राज्य में वर्षा करवा ली अपने राज्य में। और जब इंद्र ने ये देखा तो उसे बड़ी लाज लगी और उसके लाज लग उसको बुरा लगा कि मैंने इतना गलत किया इनके साथ, तो अब ठीक कैसे करूं। तो उसने अपनी पुत्री जयंती का विवाह, इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से कर दिया। कालांतर में ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र जो थे उनका नाम था भरत। इन्हीं के नाम से भारत वर्ष पड़ा है, हमारा जो भारत है इन्हीं के नाम से भारत वर्ष पड़ा। भरत जी महाराज के भी कालांतर में 5 पुत्र हुए। इन्होंने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजपाट देकर, जब वानप्रस्थ आश्रम का समय आया तो राजपाट देकर निकल गए
कुलह आश्रम और वहां पर रहकर तपस्या करने लगे। देखिए पहले के लोग आश्रम वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार घर छोड़ देते थे। आजकल हम लोगों की मृत्यु जो होती है वो हम लोग प्रसन्नता से इसलिए शरीर नहीं छोड़ पाते क्योंकि अंत तक भी उसी घर में बने रहते हैं। और चलिए अब आजकल जंगल तो है नहीं कि आप घर छोड़कर जंगल चले जाएं, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे संसार को हृदय से बाहर निकालिए। जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, जहां है वहीं रहते हुए ये संसार जो आपके भीतर है उसको धीरे धीरे बाहर करते जाइए। और याद रखिए कि अब मेरे जाने की बारी है, ये संसार तो यूं ही चलता रहेगा, मैं चला जाऊंगा तब भी। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान बातों को ध्यान देना बंद करिए, निकाल संसार को बाहर, संसार को यहां से संसार से छूटना है। ऐसे दौड़ के भागना नहीं है, कहां जाएंगे, जहां जाएंगे वही संसार है, क्योंकि वो संसार बाहर नहीं है, वो संसार भीतर है। एक बात और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, ये जो भी यहां व्यासपीठ से सुखदेव भगवान बोलते हैं, सब संतों की जो यहां से कहा जाता है सब संतों की प्रसादी है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। जो प्रसादी पाई है वही आपको बांटने का प्रयास है व्यासपीठ से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संसार बाहर नहीं है, संसार आपके भीतर है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सब लोग हमें कहां से देख रहे हैं, हम कहां दिख रहे हैं आपको, उंगली करके बताइए, उंगली करके सब लोग बताएंगे किधर दिख रहे हैं हम आप सब लोगों को। सबकी उंगलियां नहीं दिख रही, इधर दिख रहे हैं, इधर। अच्छा आपकी ये जो आप सबने इधर उंगली करी ना, ध्यान से समझिएगा, इधर नहीं है। आप यहां से इमेज रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में ही वो चित्र आ रहा है, आप यहां से देख रहे हैं, यहां नहीं, यहां है वास्तव में है कि नहीं। ये व्यासपीठ आपको यहां दिख रही है लेकिन आप उंगली किधर कर रहे हैं, देख आप यहां से पा रहे हैं, ये इमेज रिफ्लेक्ट बैक होके आपके रेटिना पे होता है ना। जो अब जब सब कुछ यहां है, सब कुछ भीतर है और हम सुधारने बाहर चलते हैं, बाहर कुछ भी नहीं सुधरेगा, जो सुधारना है आपको इधर ही सुधारना है, कोई भी बात बाहर नहीं है, सब कुछ भीतर है, यहां यहां यहां। तो अब देखिए जड़ भर जो भरत जी महाराज जी हैं, ये तपस्या करने गए, घर बार सब छोड़ दिया, छोड़ के गए, और वहां गए तो क्या हुआ कि एक दिन ये गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और सूर्य जी को जल दे रहे थे। उतने में क्या हुआ, एक मृगी हिरन हिरनी वो पानी पीने के लिए उसी नदी में आई और वो गर्भिणी थी वो हिरनी। इतने में क्या हुआ, सिंह ने दहाड़ मार दी, वो पानी पी रही थी हिरनी, सिंह की गर्जना से वो जो गर्भिणी हिरनी थी उसके छोटे हिरन का जन्म, उसने पानी में छलांग मार दी और छोटे हिरन का जन्म उसी नदी के जल में हो गया। और जैसे ही ऐसा हुआ वो हिरनी वहीं पे मर गई। अब ये सारा दृश्य भरत जी महाराज देख रहे थे कि बेचारी इसकी माँ तो प्राणांत तो हो गया माँ का, और ये छोटा सा हिरन का बच्चा अब ये कैसे रहेगा। उन्होंने उस हिरन के बच्चे को सोचा मैं पाल लेता, अपने साथ रख लिया उस हिरन के बच्चे को
देखिए, पालना बुरा बुरी बात नहीं है। अब गड़बड़ हम आपसे कहां होती है? संसार के व्यवहार करना बुरी बात नहीं है, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना बुरी बात नहीं है, करना चाहिए तो धर्म है। पुत्र का माता पिता के प्रति क्या धर्म है, सबके अपने अपने धर्म है, करना चाहिए। भरत जी महाराज जी ने भी उस हिरण को बच्चे को संभाला, बहुत अच्छी बात। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब तो वो जब ध्यान लगाते तो सोचते हिरण के बच्चे ने खाया कि नहीं खाया, उस हिरण के बच्चे को प्यास तो नहीं लगी, अरे वो कहीं बेचारा कोई सिंह का आके खा ना ले। ध्यान लगाते लेकिन हर समय ध्यान हिरण के बच्चे पे रहता, वो कहाँ होगा, एक बार निहार तो लूं, कितना सुंदर लगता है ये हिरण का बच्चा। धीरे धीरे ठाकुर भूलते गए और हर क्रिया में हिरण का बच्चा ही याद रहता गया, हर क्रिया में। और पहले क्या था, संसार के कार्य करते थे लेकिन हर क्रिया में ठाकुर याद रहते थे। और ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, वो हिरण का बच्चा तो हिरण का बच्चा, जैसे ही उसने अपना झुंड पाया एक दिन छलांग लगाकर भाग गया। अब तो भरत जी महाराज ढूंढते रहे, कहां गया कहां गया, पूरा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते। जब नहीं मिला तो इतना प्रेम हो गया था उनको कि उसकी याद में भरत जी ने प्राण त्याग दिए, इतना प्रेम। महाराज अगर इतने प्रेम ठाकुर जी से ही रह जाता तो क्या गति होती, अब सोचिए पल क्या हुआ, अंते मति या गति, क्योंकि हिरण के बच्चे की याद करते करते प्राण छोड़े थे तो अगला जन्म हिरण का ही मिल गया। सोचिए घर बार छोड़ के आए तपस्या करने और कौन सा जन्म मिल गया। अजामिल ने आखिरी समय में पूरे जीवन में पाप किया, आखिरी समय में ठाकुर की याद कर ली तो क्या गति हो गई, आप सबको पता है। और भरत जी महाराज ने पूरे जीवन तपस्या करी और आखिरी समय में हिरण की याद कर ली तो हिरण बनना पड़ा। आपकी भाषा में समझाते हैं, अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे कि एक मैया थी वो फोटो खिंचवाने जा रही थी और जो स्टूडियो था उनके घर से 2 किलोमीटर दूर था और पैदल चल के जाना था उनको। उन्होंने 2 घंटे लगाए, मेकअप किया, खूब तैयार हुई, खूब अच्छे से, बहुत सजी सवरी, 2 घंटे। लेकिन रास्ता पैदल जाना था, पैदल जाती गई, रास्ते में हवा चलती है, धूल उड़ती है, थोड़ा आंधी तूफान, तो पूरा उनका रास्ते में मेकअप बिगड़ गया।